हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं बहुत ही इजी तरीके से तोरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। बहुत ही कम तेल में, बहुत कम ही सामानों से मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। इसमें दो मिर्च लगेंगे कटे हुए। मैंने आधा किलो तोरई लिए हैं, जिसको धो करके अच्छे से छिल कर कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने एक चम्मच के लगभग तेल डाले हैं। उसमें मैं हरा मिर्च सबसे पहले डालूँगी, उसके बाद आप जीरा ऐड कर लें। आधे चम्मच के लगभग मैंने जीरा ऐड किया है और मिर्च डाल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब आप इसमें तुरई डाल दें पूरे से, इस तरह से आप भी डाल दें। तुरई डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करें। आप भी बराबर चलाते हैं, मिक्स करें। फ्लेम को धीमा रखें। आधी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डाल दें और नमक आधी एक चम्मच के लगभग खाने वाली फूल को आप ऐड कर लें, क्योंकि गल जाने के बाद में थोड़ा कम दिखने लगता है। ऐसे थोड़ा देर चला लें उसको मिनट के लगभग। उसके बाद आप ढक्कन से इसे इस तरह से ढक्कन से ढक दें। आप देख सकते हैं मैंने इसे ढक्कन से ढक दिए थे 2 मिनट के लिए। देखिए इसमें कितने अच्छे से पानी भी छूट गए हुए हैं, बिल्कुल ताज़ी है। आप भी इसी तरह से बीच बीच में चलाते जाएं इसे और पकाते जाएँ धीमे फ्लेम पर, अच्छे से गल जाएँ। तो बहुत ही रचना, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया है आप लोगों को तुरई की सब्जी बनाने का। बहुत जगह इसको इसे घिउड़ा भी बोला जाता है। आप लोग का तरफ क्या बोला जाता है, प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर करें। फिर मैं इसे अच्छे से मिलाने के बाद फिर से इसे 1 मिनट से 2 मिनट के लिए ढक दे। आप देख सकते हैं इस तुरई में कितने पानी निकलते हैं। इस तरह से इसे मैं सुखा लूँगी अच्छे से। वैसे बीच बीच में मैं इसे तोड़ती भी जाऊँगी, इसे मिलता जाएगा। इस तरह से आप भी करते जाए, लगभग 1 मिनट के अंदर में पक जाएंगे अच्छे से। देख सकते ये देखिए कितना सुंदर तुरई की सब्जी तैयार है आप लोगों के लिए खाने के लिए। प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। और आप लोग भी इसे पूरी पराठे चावल के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।